किसान आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो गए और इस 1 साल में आज सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो हुआ है वो एक चीज दिखा देता हूं। और तब आपसे कहूंगा कि देखिए आपको मास्टर स्टोकवादियों ने कैसे ठगा है। ये आज बॉर्डर पे था, ध्यान से देखिए, भिंडरावाला के फिर से पोस्टर लगाए गए तलवार के साथ। देखिए ध्यान से, ये आज की फोटो है, आज की फोटो है। अब आप कहोगे कि कंफर्म करो कि आज की है, संदीप क्यों झूठा है, कंफर्म कर देता हूं, मैं कंफर्म ही करूंगा, मुझे बिल्कुल ही, क्योंकि मैं सच ही के साथ हूं। आप देखिए, और आज जो मास्टर स्टोकवादी आपको कह रहे थे आईबी डोभाल साहब, क्या आईबीओ डोभाल साहब को ये पता नहीं चला क्या भिंडरा वाले के पोस्टर लड़ाए जाएंगे? आप उन मास्टर स्ट्रोकवादियों को देखो, ये देखो, पहले ये देखो कि संदीप देव झूठ नहीं बोलता। ये देखिए, आप एक अखबार का ही दिखा रहा हूं, ये अखबार भी आप देखिए, हिंदुस्तान अखबार है। किसान आंदोलन के 1 साल पर सिंधु बॉर्डर पर दिखा भिंडरा वाले का बैनर। बैनर कौन सा? क्या मास्टर स्टोक वादी बताएंगे इससे देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ रही? वो कह रहे थे ना, देश को बचाने के लिए किसान की बिल वापस लिया, सारे पत्रकार को एक लाइन, क्या भिंडरा वाले के पोस्टर से देश बच जाएगा? वो कह रहे थे ना कि आईबी की रिपोर्ट थी, दिन में कुछ होने वाला है, तो आईबी ने बताया नहीं कि आज भिंडरा वाले के पोस्टर लड़ाए जाएंगे? क्या आईबी इतनी चूक गई? मास्टर स्ट्रोक डोवाल साहब की रणनीति के तहत डोवाल साहब को यह पता नहीं था कि भिंडरा वाले के पोस्टर लगाए जाएंगे? ये सिर्फ खालिस्तानियों के तुष्टिकरण के लिए किसान बिल वापस लिए गए हैं, आज भी इस पोस्टर को पर कार्रवाई नहीं हुई, खालिस्तानियों का तुष्टिकरण किया जाए, ये सिर्फ तुष्टिकरण ने घाव दिए। आप देखिए, ये पूरी खबर आपको खबर में पढ़ के बता देता हूं कि तब आप समझेंगे। आज 1 साल हुआ किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन ने कहा उनकी 6 मांग में से सिर्फ एक मांग मांगी गई है, अब तो हम आप जाएंगे भी। 3 कृषि कानून पर जो है उत्सव का आज इनका माहौल था, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, ये तीन ही बॉर्डर ने 80% किसानों के हित को खा गया। ये तीन बॉर्डर भारत के सारे राज्यों के किसानों के हित पे हावी हो गया। ये तीन बॉर्डर जो है उन 10 करोड़ किसानों की पूरे उनके जो उनकी मेहनत है उसको कुचल दिया अपने ट्रैक्टर से, वो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि थी। ये सिर्फ इन ढाई तीन बॉर्डर को संतुष्ट करने के लिए किसान बिल वापस लिया गया। अब ये और उग्र हो गए हैं और अब खुलेआम भिंडरावाला लहराया जा रहा है। आप सुनिए, इस प्रदर्शन स्थल पर आज भी वैसी ही भीड़ दिखी जैसे आंदोलन के शुरू होने के दिन में, यानी भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या आई भी पता नहीं रहा, मास्टर स्ट्रोकवादियों, क्या आई भी पता नहीं रहा कि भीड़ बढ़ती जा रही है? मास्टर स्ट्रोकवादियों, तुम लोगों ने जो जनता के आंख में धूल झोंका है, मैं पीएम को नहीं कहूंगा क्योंकि पीएम ने कहा, मैं कुछ किसान साथियों को नहीं समझाया, उन्होंने नहीं कहा, मुझे डोभाल जी ने कहा और आईबी ने कहा, और मैं वो एक प्लान कर सकते थे, देश की सुरक्षा को देखते हुए मैं ये किसान बिल वापस लेता हूँ, हम बिल्कुल नहीं बोलते, प्राइम मिनिस्टर की बात पे मुझे भरोसा होता, पर मैं किसी टुच्चे सड़क छाप सड़क जो मास्टर स्ट्रोकवादियों पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं प्राइम मिनिस्टर पर बात भरोसा करूंगा। अब वो कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा के, ये बहुत साधारण सी लाइन है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं कि आईबी डोवाल कुछ नहीं, पर इन मास्टर स्ट्रोकवादियों ने लाइन जो दिया गया बाद में जनता का आक्रोश देख के। तो आज देखिए, आज सिंधु बॉर्डर पर जनरल सिंह भिंडरावाले का बैनर देखा गया, पंजाबी भाषा में लिखे पोस्टर पर भिंडरावाले का फोटो है, और इसके कारण इस आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल तो शुरू से उठ रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रदर्शन स्थल पर ट्रैक्टर से बड़ी संख्या में पाकिस्तान ये तथाकथित किसान आए, मिठाइयां बांटी, और ये लोग जो है उनके उनका कहना है कि वहां पर जो उनके 6 मांग है, वो कह रहे हैं इसमें कि हमारी जो है
छह में से केवल एक मांग मानी गई है, जब तक हर मांग नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये स्थिति है। यानी किसान बिल वापस लेने से न भिंडरावाला का पोस्टर बंद हुआ, न खालिस्तानी तत्व चुन के हटाए गए, चुन के हटाए नहीं गए, खालिस्तानी तत्व तो बने हुए हैं। आंदोलन में और जान आ गई, जो मर चुका था वो फिर से जान आ गई, बड़ी संख्या में लोग आए, डबल संख्या में लोग आए, और 29 तारीख को ये संसद पे कूच करने वाले, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, ये तुष्टिकरण भारत का अगर एक शत्रु है तो वो तुष्टिकरण, हिंदुओं का यदि एक शत्रु है तो वो तुष्टिकरण। और आज की सारी सरकारों ने यही किया, इंदिरा गांधी ने तुष्टिकरण किया भिंडरा वाले का, और वहां के आतंकवाद का हुआ क्या, मारी गई, अंत में तोप घुसाना पड़ा। वो तुष्टिकरण नहीं करती पॉलिटिकल, उसके लिए भिंडरावाला शुरू में ही, तो ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। ये जो घाव को बड़ा करने का भारतीय पॉलिटिकल बीमारी है, ये भारत को बहुत हानि पहुंचाती है। भारत का बंटवारा हो गया और भारत फिर बंटवारे के मुहाने से गुजर रहा है, पंजाब को, बंगाल को, केरल हो, ये सिर्फ तुष्टिकरण के कारण। यदि बंगाल में खदेड़ कर 356 नहीं 355, क्योंकि आपको मास्टर राष्ट्रवादी संविधान नहीं बताएंगे, वो झूठ बोलना उनको तो झूठ को जस्टिफाई करना, 356 में ममता की सरकार सस्पेंड होती, लेकिन 355 में बिना ममता की सरकार को सस्पेंड किए संविधान कहता है कि सीआरपीएफ को वहां भेज के कंट्रोल कर सकती है, केंद्र सरकार को यह अधिकार है। यदि हरे टिट्टो को कुचल दिया जाता तो फिर तो तुष्टिकरण हो नहीं पाता। वो जो कान में बतियाते गोल टोपी का मैसेज गया, वो मैसेज कुचल जाता। इसलिए किसान आंदोलन के नाम पर ये जो अराजकतावादी हैं, ये अराजकता और बढ़ाते चले जाएंगे, और ये इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि सरकार के लिए मुश्किल होता जाएगा। सरकार के लिए आज मुश्किल हो चुका है, 26 जनवरी को हमारे झंडे फेंक दिए गए, रेप हुआ, जिंदा जलाया गया, और आज फिर भिंडरावाला हो रहा है। कहां गए मां? आपको मैं सभी साथियों को जो दूसरे चैनल्स को देखते हैं, यूट्यूब को, पूछो हमसे, आप पूछो कि तुमने हमें गुमराह क्यों किया, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया गुमराह, उन्होंने कहा किसान साथी कुछ हम नहीं मना पाए, तुमने हमें सिक्योरिटी का बहाना चूरन बेचकर हमें गुमराह क्यों किया, क्या आज भिंडरावाला, आज खालिस्तानी तत्व तो हमारी सुरक्षा को चुनौती नहीं दे रहा? पूछिए, आपका सवाल है, आपने टाइम दिया है, उन यूट्यूबर्स पे समय खर्च किए, पूछिए पूछिए, खदेड़िए, मैं गलत हूं तो मुझे भी पूछिए। मैं जो लाइन बता रहा था वो लाइन कंफर्म हो रहा, और इसीलिए मैंने यहाँ सीरीज किया है, आपको वीडियो कट के जो दे रहा हूं, किसान कृषि बिल के साइड इफेक्ट 1, 2, 3, 4, ये मेरे 20 साल की पत्रकारिता से सीखी हुई बात है, और ये भारत की आजादी से लेकर और अब तक तुष्टिकरण ने भारत और हिंदुओं को घाव दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तुष्टिकरण करें और वो बहुत अच्छा हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जनरल नॉलेज की बात है।